स्वागत है आपका एचएच एजुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग कॉम्पनसेशन पॉलिसी के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कॉम्पनसेशन पॉलिसी को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। आज के मॉडर्न समय में कॉम्पनसेशन पॉलिसी इम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने में, इम्प्लॉयज को काम के लिए मोटिवेट करने के लिए और टैलेंटेड इम्प्लॉयज को रिटेन करने में काफी हेल्प करता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस्ड कॉम्पनसेशन पॉलिसी होना बहुत जरूरी होता है ताकि इम्प्लॉयज का भला हो सके और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का बजट भी ना बिगड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग प्रकार के कॉम्पनसेशन पॉलिसी को पढ़ते हैं। पहला टाइप है प्री डिटरमाइंड कॉम्पनसेशन पॉलिसी। इस प्रकार के कॉम्पनसेशन पॉलिसी में इम्प्लॉयज को पहले से तय किया गया, पहले से फिक्स किया गया कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, या तो सैलरी के रूप में या तो वेजेस के रूप में। आमतौर पर रेगुलर इंटरवल के बाद सैलरी या वेजेस इम्प्लॉयज को पे किया जाता है। अगर कॉम्पनसेशन आवरली बेसिस पर पे किया जाता है तो फिर इम्प्लॉयज जितने घंटे काम करता है उसे उसी के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। इस टाइप का कॉम्पनसेशन पॉलिसी आमतौर पर लेबर्स के लिए यूज में लाया जाता है। अगला प्रकार का पॉलिसी है कॉम्पनसेशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस। इस प्रकार के कॉम्पनसेशन पॉलिसी में इम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस के साथ साथ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने का मौका रहता है। इस प्रकार के कॉम्पनसेशन पॉलिसी में इम्प्लॉयज को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, टारगेट अचीव करने के आधार पर या अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के आधार पर एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी या वेजेस में हाइक, बोनस, कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में शेयरिंग आदि। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्पनसेशन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों प्रकार का रिवॉर्ड को दिखाता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन के नाम पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला टाइप है कॉम्पनसेशन पॉलिसी रिलेटेड विद बेनिफिट्स। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के साथ साथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है ताकि इम्प्लॉयज अपने काम या जॉब से सेटिस्फाइड रहें। चलिए कुछ बेनिफिट्स को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है ताकि इम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर कर सके। मतलब जब इम्प्लॉय या उनका फैमिली मेंबर बीमार पड़े तब हेल्थ इंश्योरेंस के हेल्प से बीमारी से जुड़ा खर्च को रिकवर किया जा सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर पेंशन प्रोवाइड कर सकती है ताकि इम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के बाद इम्प्लॉय का लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर रहे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को पेड लीव दे सकती है, सिक लीव दे सकती है, पेरेंटल लीव प्रोवाइड कर सकती है ताकि इम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज के अच्छे काम के लिए इम्प्लॉयज को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर सकती है, अवार्ड दे सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, जैसे इम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड, इम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड आदि, ताकि इम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करे और अपने काम को और भी अच्छे से परफॉर्म करे। अगला टाइप है कॉम्पनसेशन पॉलिसी बेस्ड ऑन स्किल अपग्रेडेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इम्प्लॉयज का स्किल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना जरूरी होता है और इम्प्लॉयज का स्किल काम को सही से परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि यदि इम्प्लॉयज अपने स्किल को अपग्रेड करते हैं, अपने स्किल्स को इनहेंस करते हैं, नए नए स्किल्स को सीखते हैं, तो फिर ऐसा करने पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जाता है। जब इम्प्लॉयज अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करते हैं, लगातार नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए स्किल सीखते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज के पेमेंट को इंक्रीज करती है, प्रमोशन देती है आदि। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पनसेशन पॉलिसी को डिसाइड करते समय कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। दूसरी तरह से कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कॉम्पनसेशन पॉलिसी को डिजाइन करते समय और इम्प्लीमेंट करते समय ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, वह फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रेजेंट रह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी प्रेजेंट रह सकते हैं। मतलब फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं या फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स को जानते हैं।
पहला स्किल्स एंड लेबर। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है जहां पर स्पेशलाइज्ड स्किल्स या हाई प्रोफेशनल नॉलेज की आवश्यकता है तो ऐसे में इम्प्लॉयज को ज्यादा कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना होता है। वहीं दूसरी तरफ स्किल्ड कैंडिडेट्स या स्किल्ड लेबर्स का अवेलेबिलिटी भी कॉम्पनसेशन पॉलिसी को प्रभावित करता है। मतलब स्किल्ड कैंडिडेट्स या स्किल्ड लेबर कितना अवेलेबल है यह भी कॉम्पनसेशन पॉलिसी को प्रभावित करता है। अगला है कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का कंडीशन, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, मार्केट का कंडीशन आदि भी कॉम्पनसेशन पॉलिसी को प्रभावित करता है। जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्लॉयज को हायर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होता, मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं होता, तब ऑर्गेनाइजेशन भी कॉस्ट कटिंग की ओर जाते हैं। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को नॉर्मल या एवरेज कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। अगला है लेबर लॉस। प्रत्येक कंट्री का अपना लेबर लॉस होता है जिसको ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेशन पॉलिसी को डिजाइन करता है और इम्प्लीमेंट भी। लेबर लॉस यह बताता है कि इम्प्लॉयज को, वर्कर्स को मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरी कितना पे करना होगा, इम्प्लॉय को क्या क्या मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना होगा। मतलब यह कहा जा सकता है कि लेबर लॉस कॉम्पनसेशन पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में ऑपरेट करता है उसे वहां के लेबर लॉस के हिसाब से इम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना होता है। चलिए अब इंटरनल फैक्टर्स को पढ़ते हैं। पहला स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव भी कॉम्पनसेशन पॉलिसी को प्रभावित करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन टॉप टैलेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है तो उसे ज्यादा कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को घटाना चाहता है तो वह इम्प्लॉयज को नॉर्मल कॉम्पनसेशन, एवरेज कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा। अगला है रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है यह भी कॉम्पनसेशन से जुड़ा पॉलिसीज को प्रभावित करता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होता है वे ज्यादा सैलरीज, वेजेस ऑफर करते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होता वे नॉर्मल या एवरेज कॉम्पनसेशन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। अगला है पोस्ट या हायरार्की। जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि कॉम्पनसेशन जॉब, पोस्ट या हायरार्की पर भी डिपेंड करता है। ऐसा जॉब, पोस्ट या रोल जहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज, लीडरशिप क्वालिटी आदि की आवश्यकता होती है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लॉयज को ज्यादा कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना होता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा जॉब, पोस्ट या रोल जहां पर इतनी एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं होती वहां पर ज्यादा कॉम्पनसेशन ऑफर नहीं किया जाता। और हाँ, इम्प्लॉय का हायरार्की में जितना ऊंचा पोस्ट होगा उसे उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है परफॉर्मेंस ऑफ द इम्प्लॉय। इम्प्लॉय का परफॉर्मेंस भी कॉम्पनसेशन पॉलिसी को प्रभावित करता है। कॉम्पनसेशन पॉलिसी डिसाइड करते समय अलग अलग मेथड्स के हेल्प से इम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, फिर जाकर कॉम्पनसेशन पॉलिसी डिसाइड किया जाता है।